प्रिय छात्रों, आज हम हमारी पुस्तक क्षितिज के सांवले सपनों की याद का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक है जाबिर हुसैन। उनका जन्म 1945 में बिहार में हुआ था। वो एक महान लेखक है। उनका अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी में समान अधिकार हैं। जाबिर हुसैन सलीम अली के बहुत अच्छे मित्र थे। वो उनके विषय में सारी बातें जानते थे। जब सलीम अली की मृत्यु हुई और उनकी शव यात्रा निकाली गई, उनकी शव यात्रा को देखकर उनके मन में जो भाव उठे और जो उन्हें दुख हुआ, उन सारे भावों को उन्होंने इस पाठ में लिखा है और इस पाठ को हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार वो जो पक्षियों से प्यार करते थे, सलीम अली उन पक्षियों का प्यार लिए, उनके जो सपने लिए वो चलते थे, आज वो सपने उनके पूरे नहीं हो पाएंगे। वो सारे सपने उनके अधूरे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। सांवले सपने वो होते हैं जो सपने हमने देखे लेकिन हम उन सपनों को पूरा नहीं कर पाए, इसे कहते हैं सांवले सपने। सांवला मतलब हल्का काला रंग, जैसे इसके लिए हम कृष्ण जी को भी ले सकते हैं, उन्हें भी हम सांवले रंग के कहते हैं। मनुष्य के मन के भावों की तुलना हमेशा रंगों के साथ की जाती है। यहाँ भी लेखक का तात्पर्य यही है कि उनके जो सपने थे वो सपने अब पूरे नहीं हो पाएंगे, तो उनके वो सपने अब उन्हीं की मौत के साथ खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, यानी बढ़ रहे हैं। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, क्योंकि मौत पर किसी का वश नहीं चलता, हम उसे रोक नहीं सकते, चाहे कितनी भी कोशिश करें। जब मौत आएगी तो वो आएगी ही, हम उसे रोक नहीं सकेंगे। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे थे सलीम अली। हुजूम यानी, हुजूम का अर्थ होता है भीड़, लोगों का समूह, जन समूह। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे थे सलीम अली। ये जो शव यात्रा थी वो सलीम अली की थी। सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, सैलानी यात्री। अब उनका यह सफर एक अंतहीन सफर था, अंतहीन सफर जिसका अंत ना हो, क्योंकि इस सफर का कोई अंत नहीं था। वो कभी भी लौट कर आने वाले नहीं थे। एक होते हैं यात्री, सैलानी, जो यात्रा पर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ का जो उनका सफ़र था वो वापस आने वाला नहीं था। वो चल रहे थे और वो चल रहे थे, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। किस तरह? क्योंकि वो जब भी सफ़र में जाते थे वो लौट आते थे, लेकिन इस सफ़र से वो लौटेंगे नहीं, इसीलिए उनका यह सफ़र उनके अन्य सफ़रों से भिन्न है। कहते हैं कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, और यहाँ यह बात सलीम अली के लिए पूरी तरह सटीक बैठती है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे जगह चले जाना।
तो भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन था। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। अब इस भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से वो पूरी तरह दूसरी जगह चले जा चुके हैं। अब ये उस वन पक्षी की तरह है जो प्रकृति में विलीन हो गए हैं। एक पक्षी होता है, जब वो कुछ गाता है या कुछ बोलता है और बोल को वो उड़ जाता है, तो वो कहाँ विलीन हो जाते हैं वो हमें नहीं दिखते हैं। चहकते पंछी जब चहक कर उड़ जाते हैं, तो फिर उनका ठिकाना कहाँ है ये कोई नहीं जान पाता, और वो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा। इसी तरह सलीम अली भी अपनी आखिरी यात्रा पर चल पड़े हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे, तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अब किसी व्यक्ति को उनसे बहुत लगाव है, वो उन्हें बहुत पसंद करता है और वो चाहता है कि गया हुआ व्यक्ति वापस लौट आए, और इसके लिए वो चाहेगा कि उसके जिस्म की हरारत मतलब एक गर्मी ताप, और दिल की धड़कन उसे वो दे दे, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए वो अपने शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन जो मृत्यु के बाद बंद हो जाती है उसे देखकर ये चाहे कि वो उसे लौटा लाए, तो वो नहीं लौट सकता। कोई चाहे भी तो उसे नहीं लौटा सकता। तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी है, सलीम अली जा चुके हैं, अब उन्हें लौटाना संभव नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। और इस दुनिया से रुखसत होने वाले लोगों की यादें ही रह जाती है। हम सिर्फ अपने दिल में उनकी यादों को ही बसा सकते हैं, और जो चला गया है और उसे हम वापस लौटा कर नहीं ला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि वो जो सोए हुए हैं, सलीम अली जी जो सो चुके हैं, सोए हुए हैं, उन्हें क्या जगाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, क्योंकि जब इंसान या कोई भी इंसान आराम करता है तो हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तो हमें नहीं लगता कि इस समय सोए हुए पक्षी को हमें जगाना चाहिए। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। बहुत साल पहले, वर्षों पूर्व, खुद सलीम अली जी ने एक बात कही थी कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं और यह उनकी भूल है। क्यों? क्योंकि पक्षी और मनुष्य में फर्क होता है, क्योंकि पक्षी पूरी तरह निस्वार्थ होते हैं जबकि मनुष्य बहुत ही स्वार्थी। इसीलिए हमें कभी भी मनुष्य को और पक्षी को एक नज़र से नहीं देखना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों मतलब ये भी एक स्रोत होता है पानी का, जो अपने आप जैसे झरने निकलते हैं, वैसे झरने का ही एक रूप है आबशार। पहाड़ों, झरनों और आबशारों मतलब जो अपने आप स्वतः पहाड़ों से निकला हुआ जल, उसे कहते हैं हम आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। सलीम अली हमेशा अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़े रखते थे। उनकी नज़र में पक्षी और आदमी बराबर होते थे।
सालिम अली जी पक्षियों से अथाह प्रेम करते थे। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? ये उनका प्रश्न था कि क्या मनुष्य इस तरह पक्षियों की आवाज सुनकर, पक्षियों की चहचहाट को सुनकर क्या एक रोमांच का अनुभव कर सकता है? रोमांच का सोता उनके मन में फूट सकता है? नहीं, क्योंकि उनके अनुसार यह संभव नहीं था। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। एहसास उनकी भावनाएं और उबड़ खाबड़, यहां उबड़ खाबड़ का प्रयोग किया गया है उतार चढ़ाव, दुख सुख। सालिम अली जी एक भावुक इंसान थे, वो बहुत ही भावुक थे, और भावुक इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख ज्यादा होता है, क्योंकि भावुक इंसान मन की गहराइयों से हर चीज को महसूस करता है। ऐसे ही थे सालिम अली। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक का अर्थ होता है प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है। जैसे कि सालिम अली के बारे में आज से 100 साल बाद अगर हम ये कहें कि वो एक पक्षी प्रेमी थे, वो पक्षियों के प्रति ऐसा करते थे, वैसा करते थे, प्रकृति की नज़र से वो सबको देखते थे, तो शायद उस चीज़ को कोई ना माने, क्योंकि उस समय हमारे पास इस बात को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस सबूत ना हो। तो आइए अब तक पढ़े गए इस पाठ के अंत से हम कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सालिम अली जी के सपनों को सांवले सपनों की उपमा क्यों दी गई? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सालिम अली के सपनों को सांवले सपनों की उपमा इसलिए दी गई क्योंकि उनके देखे हुए सपने अधूरे रह गए थे, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी और वो अपने किसी भी सपने को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं थे। अब अगला प्रश्न, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे थे सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। इन पंक्तियों का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि सालिम अली जी की शव यात्रा जा रही है और वो अपने कंधों पर अपने अंतहीन सफर का, यानी अपने अंतिम सफर का बोझ उठाए साथ में चल रहे हैं। सैलानी कहते हैं यात्रियों को। एक यात्री जब कहीं जाता है तो वो लौट कर आता है, और जब भी यात्रा पर जाए तो उसके कंधों पर एक बैग का बोझ होता है। तो यहाँ भी वही दिखाया गया है कि सालिम अली जी के कंधों पर भी उनकी अंतिम यात्रा का बोझ था और वो उठाए वो जा रहे थे अंतहीन सफर, क्योंकि ये उनका अंतिम सफर था और इसके बाद वो कभी भी लौट कर आने वाले नहीं थे, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। आइए आज के पाठ को आगे बढ़ाएं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छा में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले
जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? इन पंक्तियों में लेखक ये समझाना चाहते हैं कि वृंदावन और कृष्ण, इन दोनों का संबंध ठीक वैसा ही है जैसे एक सिक्के के दो पहलू। जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ का वातावरण संपूर्ण रूप से कृष्णमयी रहता है। वहाँ हर स्थान में हमें कृष्ण जी की लीला का स्वरूप नजर आता है। वृंदावन में उनकी रासलीला और गोपियों संग उनकी अटखेलियां, या फिर वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों के छांव में विश्राम करना, दिल को रोमांचित करने वाली उनकी वंशी की धुन, ये सारा कुछ हमें वृंदावन में नजर आता है। और उसके साथ ही साथ कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता है। नदी का सांवला पानी, ये कहावत है कि जब श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का दमन किया था तो वहाँ यमुना नदी का पानी सांवला हो गया था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा। यानी जब सुबह सुबह सारे लोग नदी की तरफ, यमुना नदी की तरफ जाते हैं तो उन्हें एक ऐसा एहसास होता है कि अचानक से कृष्ण जी सामने आएंगे और अपनी बंसी बजाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देता है तो ऐसा लगता है कि कुछ ही क्षणों में कृष्ण जी वहाँ आ पहुँचेंगे। यानी जब शाम होती है और माली आकर सैलानियों को ये कहता है कि अब आप जाएं, तब यह एहसास होता है कि अब किसी भी पल कृष्ण जी यहाँ आ सकते हैं और अपनी बांसुरी से सबको मोहित कर सकते हैं। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यानी जब भी कृष्ण जी की बात होती है तो उनकी बांसुरी की चर्चा अवश्य होती है। तो बच्चों, हम आज के पाठ को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। वृंदावन में यमुना का सांवला पानी किन किन घटनाओं की याद दिलाता है? वृंदावन में यमुना का सांवला पानी कृष्ण से जुड़ी विभिन्न घटनाओं की याद दिलाता है, जैसे कि कृष्ण द्वारा वृंदावन में रासलीला रचाना, गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाना, माखन भरे बर्तन फोड़ना और दूध छाली खाना, वाटिका में घने पेड़ों की छांव में वंशी बजाना जिसे सुनते ही लोगों के कदमों का ठहर जाना। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के पाठ का सारा सारांश, सारा सार समझ में आया होगा और इस पाठ का बाकी भाग हम अगली बार पढ़ेंगे। हमेशा खुश रहें, अपना ख्याल रखें और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।